जय हिंद दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है इस यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के। जो लोग स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी जरूरी सूचना है। वह सूचना क्या है तो आप लोग को मैं सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग बने रहिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। इसमें दे रहा है दोस्तों, मैं आप लोग को पढ़ करके बता रहा हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा। ये देखिए दे रहा है यूपी स्कॉलरशिप 2022, यूपी में छात्रवृत्ति पाने के लिए छात्रों की बायोमेट्रिक उपस्थित जरूरी है। जो लोग छात्रवृत्ति पाना चाहते हैं उनका बायोमेट्रिक उपस्थित जरूरी है। ये देखिए नीचे दे रहा है, उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति लेने के लिए छात्रों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 15 दिन में अपने यहाँ इसकी व्यवस्था करानी होगी। दोस्तों इसमें बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, कॉलेजों को 15 दिन के अंदर ये जो है ये व्यवस्था उनको उपस्थित कराना है, जो बायोमेट्रिक है, यानी कि कॉलेजों में जो बायोमेट्रिक के माध्यम से उपस्थिति की जाँच की जाएगी वो 75% आपका होना चाहिए, तभी आप स्कॉलरशिप पा सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाइएगा, ये देखिए दिया है यूपी स्कॉलरशिप 2022, उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति लेने के छात्रों की बायोमेट्रिक उपस्थित दर्ज होना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी आपको छात्रवृत्ति पाने के लिए आपका जो बायोमेट्रिक अनिवार्य कर दिया गया, अभी तो फिलहाल यही अपडेट आ रहा है। उसके बाद ये देखिए दिया है, सरकारी निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 15 दिन में अपने यहाँ इसकी व्यवस्था करानी होगी। समाज कल्याण निदेशक राकेश कुमार ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक शैक्षिक सत्र में 75% या उससे ऊपर उपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का पात्र माना गया है। यानी आपका जो है आप कॉलेजों में जाएंगे, सरकार के माध्यम से जो भी आपको लाभ मिलेगा 75% से आपका जब ऊपर रहेगा तभी आप पाने की इच्छुक रहेंगे। उसके बाद थोड़ा चलते हैं नीचे, देखिए संस्थाओं को हर माह इसकी जानकारी अपलोड करनी होगी। यानी हर महीने में जो है इसका बायोमेट्रिक वाला आपको दिखाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आपको बहुत ज़रूरी है कॉलेजों पर उपस्थित होना, 75% से ऊपर होना चाहिए आपका। उसके बाद ये देखिए दे रहा है, संस्थाओं को हर माह इसकी जानकारी अपलोड करनी होगी। 75% से कम उपस्थित वाले छात्र इसके लिए पात्र नहीं होंगे। यानी 75% से कम होगा तो आपका जो है छात्रवृत्ति जो भी लाभ आता है आप नहीं पा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका जरूरी सूचना। दोस्तों मैं आप लोगों को सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, तो आप लोग इसी तरह से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा क्या अपडेट आया है क्या नहीं। तो मैं फिलहाल नीचे ऊपर कर दे रहा हूँ, ये देखिए आप लोगों को इसी तरह से देख लेना है, पढ़ लेना है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।